आरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल आपकी सुंदरता को कैसे निखार सकता है और इसके और क्या क्या फायदे होते हैं। गैस और जबड़न को दूर करने में फायदेमंद होने के कारण इसे आरंडी नाम दिया गया है। खास तौर पर आरंडी के बीज, जड़ और पत्ते मेडिसिन के उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बीज से जो तेल निकलता है उसे आरंडी का तेल कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आरंडी का तेल कैसे आपकी सुंदरता को निखार सकता है और इसके और क्या क्या फायदे हैं। ये तेल त्वचा में इलास्टिन और कोलाजन बनाने में मदद करती है, जिससे त्वचा में झुर्रियां दूर हो जाती है और त्वचा जवान दिखता है। अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो आप 1/4 कैस्टर ऑयल और 3/4 तिल का तेल को मिलाकर उसका एक मिक्स बना लें। अगर आपकी त्वचा नॉर्मल है तो 1/4 कैस्टर ऑयल और 3/4 ऑलिव ऑयल को मिलाकर मिक्स तैयार कर लें। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर 1/4 कैस्टर ऑयल और 3/4 जोजोबा ऑयल मिलाकर एक मिक्स तैयार कर लें। अब इस मिक्स को रात को सोने से पहले अपने फेस पर हल्के हाथों से मसाज करें और फिर हल्का गर्म टॉवल लेकर अपने फेस में 1 मिनट तक कवर करें। और अगर आपके फेस में तेल ज्यादा है तो कॉटन पैड से निकाल दें। ऐसे करने से आपका चेहरा सॉफ्ट और हाइड्रेटेड हो जाएगा। अगर आपकी आंखों के नीचे झुर्रियां और डार्क सर्कल्स हैं, तो आप एल्बर्ट ऑयल और कैस्टर ऑयल 1:1 के अनुपात में मिक्स कर सकते हैं और इसे अंडर आई क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं। इससे आपके आंखों के नीचे की झुर्रियां और डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसके लिए कैस्टर ऑयल से एक फेस मास्क भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 1 छोटी चम्मच कैस्टर ऑयल और 1 अंडे की जर्दी को मिला लें। फिर इसको अपने फेस में 10 से 15 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा करने से आपके फेस की ड्राइनेस चली जाएगी और फेस सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। कैस्टर ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। कैस्टर ऑयल का एक भाग और नारियल तेल का एक भाग को मिलाकर सनबर्न जहाँ हुआ है उस जगह पर लगाएं। आपको बहुत जल्द राहत मिलेगी। रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल को लिप बाम के जैसे अपने होठों पर लगाएं। ऐसा प्रतिदिन करने से ना सिर्फ आपके होंठ मुलायम और नरम बनेंगे बल्कि उनमें मोटापा भी आएगा। अगर आपको एक्ने की शिकायत है तो आप रात में एक बर्तन में पानी उबाल लें और फिर अपने फेस को उस पर झुकाकर टॉवल से ढांक लें। 5 मिनट तक ऐसा करने पर आपके पोर्स खुल जाएंगे और फिर आप कैस्टर ऑयल से अपने फेस का मसाज कर सकते हैं। उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को धो लें। ऐसा करने से आपके पोर्स बंद हो जाएंगे। ऐसा हर दिन करने से कैस्टर ऑयल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्वों की वजह से आपके एक्ने की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी एरिया फट गई है तो आप रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल से उसे पर्याप्त मात्रा में मालिश करें और फिर उसके ऊपर मोजे डालें और फिर सो जाएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी एरिया सुंदर, स्वस्थ और स्मूथ हो जाएगी। और हाँ, रात को सोने से पहले 1 बूंद कैस्टर ऑयल अपने नाखूनों पर लगाएं। कुछ ही दिनों बाद आपके नाखून स्वस्थ चमकदार बनेंगे और आपको मैनिक्योर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सूखे और रफ हथेलियों के लिए कैस्टर ऑयल एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। बस आप 1 भाग कैस्टर ऑयल का लेकर और उसमें 1 भाग तिल का तेल मिलाकर रात को सोने से पहले अपनी हथेलियों पर लगाएं। ऐसा करने से आपके हाथ सॉफ्ट और मुलायम बन जाएंगे। अगर त्वचा को स्वस्थ बनाना हो, शरीर को मजबूत और बीमारियों से बचना हो तो इसके लिए ऑलिव ऑयल बहुत काम आता है। इसे सैलेड में डालकर भी खा सकते हैं और सब्जी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऑलिव ऑयल से होने वाले फायदों के बारे में। कई लोगों को लगता है कि ऑलिव ऑयल में हाई कैलोरीज होती है जिससे वजन बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑलिव ऑयल से वजन बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। ऑलिव ऑयल ज्यादा समय तक आपकी भूख को कंट्रोल में रखता है, साथ ही ये मीठा खाने की इच्छा को भी कम करता है। ऑलिव ऑयल को एक मॉइस्चराइजर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे रूखी त्वचा पर लगाने से स्किन मॉइस्चराइज रहती है। कभी कभी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण इच्छा खत्म हो जाती है। ऑलिव ऑयल इस कमी को पूरा करके उन्हें इस समस्या से राहत दिलाता है। ऑलिव ऑयल स्ट्रेच मार्क्स को दूर कर स्किन को टाइट करता है। स्किन को टाइट करने के साथ ही ये रंग भी साफ करता है। ऑलिव ऑयल में फाइटो न्यूट्रिएंट ऑलियोकैंथल होता है जो दर्द में राहत दिलाने का काम करता है। इस ऑयल में ऑलिक एसिड भी पाया जाता है जो कैंसर के खतरे को कम करता है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो ऑलिव ऑयल को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है जिससे कब्ज की परेशानी दूर होती है। साथ ही ये गैस की समस्या से भी राहत दिलाता है। ऑलिव ऑयल प्री डायबिटिक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इन लोगों को अपने डाइट में हर रोज
दो चम्मच ऑलिव ऑयल जरूर खाना चाहिए। इससे डायबिटीज होने का खतरा 50% तक कम हो जाता है। बालों में लगाने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स में ऑलिव ऑयल होता है। ये बालों को हेल्दी और शाइनी बनाता है। इसे अगर आप गर्म करके बालों में लगाएंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। ऑलिव ऑयल कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती है। इस ऑयल की ये खूबी ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। एक रिसर्च के मुताबिक ऑलिव ऑयल कॉग्निशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही जो लोग अपने खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, उनकी विजुअल मेमोरी और लैंग्वेज और लोगों के मुकाबले अच्छी होती है। और साथ ही ये दिमाग से संबंधित बीमारियों से भी बचाता है। ऑलिव ऑयल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, जिससे दिल की बीमारियां भी दूर रहती है। रोजाना ऑलिव ऑयल से बना खाना खाने से वृद्ध लोगों को स्ट्रोक का खतरा कम रहता है। साथ ही ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल पर रखता है। ये ऑयल आंखों के नीचे पड़े काले धब्बों को कम करता है और आपकी खूबसूरती बढ़ाता है। इसके अलावा ये लिप बाम का काम भी करता है। ऑलिव ऑयल डिप्रेशन होने से बचाता है। ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे डिप्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये थे ऑलिव ऑयल से होने वाले कुछ फायदे। तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दीजिए। सरसों का तेल हर घर में इस्तेमाल होता है, साथ ही ये तेल प्राचीन समय से आयुर्वेद में एक अहम भूमिका भी निभाता है। सरसों के तेल में कई गुण होते हैं, जो आपकी सेहत को दुरुस्त बनाता है और आपकी उम्र भी बढ़ाता है। अब हम आपको सरसों के तेल के फायदों के बारे में एक एक करके बताएंगे। सरसों के तेल में मौजूद विटामिन जैसे थायमिन, फोलेट और नियासिन आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे मोटापा कम होने लगता है। सरसों के तेल से बने खाने का नियमित सेवन करें, क्योंकि ये तेल हमारे पेट में एपेटाइजर के रूप में काम करता है, जिससे भूख बढ़ने लगती है। सरसों के बीज में मैग्नीशियम ज्यादा होता है और ये अस्थमा की शिकायत को दूर करने में मदद करता है। सरसों के तेल में विटामिन ए, सी और के अधिक मात्रा में होती है, जो बढ़ती हुई उम्र से होने वाली झुर्रियों और उसके निशान को दूर करती है। सरसों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिससे स्किन टाइट बनी रहती है। सरसों के तेल में कैंसर को रोकने वाला ग्लूकोसिनोलेट्स होता है, जो कैंसर के ट्यूमर को शरीर में बनने से रोकता है और साथ ही किसी भी तरह के कैंसर को शरीर में होने नहीं देता। सरसों के तेल से अगर सर पर मालिश करें तो बाल तेजी से बढ़ती है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ती है, जिससे बाल झड़ने की समस्या से मुक्ति मिलती है। सरसों का तेल बालों को पोषण देता है, जिससे बाल लंबे और घने बन जाते हैं। सरसों का तेल नियमित लगाने से बुरे बाल काले होने लगते हैं। रात को सोने से पहले सरसों का तेल नियमित लगाएं, थोड़े ही दिनों में आपके बाल काले होने लगेंगे। यदि आपको दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो आप सरसों के तेल में नमक मिलाकर दांतों में रगड़ें। ऐसा करने से आपके दांतों के दर्द से राहत मिलेगी और दांत मजबूत भी होंगे। शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए और उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए रोज नहाने के बाद सरसों के तेल से मालिश करें। सरसों के तेल का नियमित इस्तेमाल करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। जिनको दिल की बीमारी है उनको खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों के तेल में विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है, जो आपके स्किन को अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। सर्दियों में ठंड के वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द में अगर आप सरसों के तेल से गुनगुना करके मालिश करें तो आपको राहत मिलेगी। इसी के साथ सरसों के तेल के फायदों पर बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइफ केयर चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास न आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।